नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जीविका केंद्र तथा बैंक मित्र अंशु कुमारी ने एरिया कोऑर्डिनेटर पवन कुमार शाह के ऊपर अवैध संबंध का प्रयास सहित मनमानी का लगाया आरोप। बैंक मित्र अंशु कुमारी के नेतृत्व में जीविका केंद्र ने डंडारी प्रखंड बेगूसराय के दुर्गा स्थान मंदिर के समीप बैठक किया। बैठक में जीविका केंद्र ने एरिया कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी को कोऑर्डिनेटर द्वारा बैंक मित्र पर लगाए गए आरोप पर जिला प्रशासन से उचित न्याय के मांग की लगाई गुहार। डंडारी प्रखंड क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के समीप रविवार को जीविका केंद्र के द्वारा अंशु कुमारी के नेतृत्व में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अंशु कुमारी ने किया। इस दौरान क्षेत्रों के सैकड़ों की संख्या में जीविका केंद्रों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान कई संगीन मामलों पर विचार विमर्श किया गया। खासकर पिछले दिनों जीविका बैंक मित्र अंशु कुमारी पर एसी के द्वारा अवैध संबंध का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा, जिसके कारण ही गुस्से में आकर एरिया कोऑर्डिनेटर पवन कुमार शाह ने और कम्युनिस्ट को कोऑर्डिनेटर प्रयास कुमार चौधरी ने अंशु कुमारी पर साजिश रचकर अवैध गबन का आरोप लगाया और सेवा में से मुक्त करा दिया, जिससे आरोप में जीविका केंद्र ने बैठक का कर जीविका के उच्च पदाधिकारी सहित जिला प्रशासन बेगूसराय से न्याय की गुहार लगाई है। और बैठक को संबोधित करते हुए बैंक मित्र अंशु कुमारी ने बोली कि कुछ दिन पहले 11 बजे रात को एरिया कोऑर्डिनेटर पवन कुमार शाह हमको बुलाए, लेकिन हम रात को जाने से इनकार कर दिया और उचित नहीं समझा। इसके विरोध में ही उन्होंने कुछ जीविका दीदियों को अपने संपर्क में लेकर लोन का साझा हम दिला देंगे का सहारा देते हुए मेरे ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाया और सेवा से मुक्त करा दिया, जो कि मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। जीविका केंद्र ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से एक्शन एरिया कोऑर्डिनेटर पवन कुमार शाह के गलत नियति पर लगाया और जिला प्रशासन सह जीविका के उच्च पदाधिकारी से बार बार अनुरोध करती रही, अगर समय रहते जिला प्रशासन इस पर उचित कार्यवाही नहीं कर पाई तो हम लोग जीविका केंद्र अपने स्तर से एसी पर कार्यवाही करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक मित्र अंशु कुमारी पर लगाया गया आरोप निराधार और बेबुनियाद है। जीविका के एसी और सीसी का गलत नियत पर पूरा नहीं होने के कारण ऐसी साजिश करके उन्हें फंसाया गया है और सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसलिए जीविका केंद्र संघ के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि बैंक मित्र पर लगे आरोप की निष्पक्ष जांच हो। जीविका दीदियों ने एसी एरिया को कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पर गबन और मनमानी का आरोप भी लगाया है। साथ ही जीविका दीदियों ने इस परियोजना के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से मांग किया है कि एसी और सीसी को कोऑर्डिनेटर को अविलंब बर्खास्त किया जाए और उसके जगह पर नए को रखा जाए। मौके पर जीविका केंद्र गीता देवी, नीलम देवी, रंजू देवी, कृष्णा देवी, सुनीता देवी, सुलोचना देवी, मीना देवी, शिवम परी देवी, सुनीता देवी, दीपा देवी, संगीता देवी, रिंकू देवी, सीता देवी, पल्लवी कुमारी, राधा देवी, लक्ष्मी देवी, टुम्पा देवी इत्यादि मौजूद थे। डंडारी से प्रीत कुमार की रिपोर्ट। चलिए ये सब बताइए, अभी जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मामला क्या है? ये सब जो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, हम कभी नहीं देख लिए हैं अंशु दीदी के मैंने पैसा हमारा नहीं, हमारा तो मैंने मैंने मांगल कि नहीं, हम हरदम बैंक जाए छे जी जी, हमारा तो हर तन पास कम लगे मैंने मांगल कि हम कहाँ। आपका नाम? नीलम देवी है, मेरा नाम। अच्छा अच्छा, आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानते। क्या बैंक में रहे छथिन, सबके लोन पास करवे छथिन, मगर पैसा चर्चा अभी तक नहीं सुने। बैंक मित्र हैं जी, कभी किसी से रुपया उपया का लेन देन नहीं, लेकिन इस पर तो बीपीएम वगैरह इनके सीनियर पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि रुपया लेकर के ये निकासी करवाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या है? बात सही है कि गलत है? आप आवाज दीजिए सही से। गलत है, बेबुनियाद आरोप इस पर लगाया जा रहा है, मतलब साजिश किया जा रहा है इनको। अच्छा अच्छा, आप इनके बारे में कुछ जान रहे हैं? हाँ, बैंक में रहते हैं, इनको जानते हैं। इनका क्या क्या काम है?
इनका काम है बैंक लोन पास करना, जो भी काम होता है करते हैं और संगठन का काम करते हैं। अच्छा, इनको हटाया क्यों गया है? अब इन पर कोई आरोप लगा रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो गवाही देने के लिए है खड़ा की अच्छी है। हाँ। हम लोग के काम अच्छे मतलब से वो जो साजिश रच रहे हैं वो सब मैटर कुछ भी नहीं है, मतलब बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद है। आप लोग कुछ जानते हैं? आप लोग अच्छा अच्छा आप बताइए इनके बारे में क्या है, मतलब किस तरीका से इनको क्यों हटाया गया, मामला क्या था? मामला था वो पैसा लोन निकासी के टाइम पैसा मांगती है इसी वजह से। ओ तो बात तो सही है? नहीं बात सही, क्योंकि आप लोग उस संगठन में रहते हैं। हाँ, तो कहाँ तक सत्यता सही है आप बताइए? सत्यता सही है कि इनको फंसाने के लिए सब साजिश रच लिया है, 3-4 बार हो गया है, अगली बार पूरा सीरियस रूप से इनको फंसाया जाने के लिए चल रहा है और सेवा से मुक्त कर दिया गया। हाँ। इनमें मतलब कौन ऐसा किया है? कौन किया है? बीपीआईओ का किए हैं। बीपीएम बीपीआईओ जो है ना। हाँ हाँ, उनका नाम क्या है? नाम है अंशुजीत, अंशुजीत कुमार और पवन कुमार। पवन कुमार क्या है? एसी है। और कौन कौन है? और सीसी है, प्रभास कुमार। प्रभास कुमार सीसी है। हाँ। वो मतलब साजिश करके इनको हटाए हैं। हाँ। चलिए, जिन पर आरोप लगा है आपका नाम? अंशु कुमार। अच्छा अच्छा, आप मतलब क्या था इसका पूरा डिटेल बोलिए आप। देखिए, ये लोग जो है ना एक साजिश के तरह हमको 3-4 बार परेशान कर चुका था, समझे? कौन कर चुका था? ये जो है बीपीआईओ पूरा जितना भी है, एसीसी मतलब, जितना हाँ, भी होता है। बीपीआईओ का नाम क्या है? बीपीआईओ है डंडारी, उसका बीपीएम सर हुए जैसे। हाँ, उसका अंदर में है। हाँ, एसीसीसी वो सब एक कर्मचारी हुए। हाँ, और हम सब कैडर हुए। हाँ, तो वो सब का जो है बहुत अत्याचार होता है हर कैडर के साथ। वो अपना आपका बस गिर जाता है, कैडर को कुछ समझवे नहीं करता है, समझे? जबकि उनको मानना चाहिए कि हम लोग कैडर हैं, धरातल पे काम करके देते हैं, वो लोग खाली रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ। तो वो सब जो है ना पूरा कैडर एक परेशान कर रहा है। हमको तो कर्ज मुक्त कर ही दिया है। हाँ। लेकिन जितना भी इसमें कैडर है सबको वो परेशान कर दिया है, समझे? अच्छा अच्छा, आपको हटाने का उद्देश्य पहले आपके साथ कोई घटना क्यों हटा गया? जी जी, देखिए घटना यही हुआ कि सर पहले वो जो है कटहरी पंचायत में हमको आरोप लगाया कि जो सानिया खातून और अंशु बैंक मित्रा मिली भगत से 1,00,000 रुपया का गबन किया। हाँ, है वहाँ भी मतलब जांच पड़ताल हुआ तो हम साफ सुथरा निकले। हाँ, उसके बाद कुछ मैसेज। हाँ सुनिए सर, तब हुआ कि दूसरा बार फिर जो है कल्याणपुर से हंगामा शुरू हुआ था। हाँ, तो वहाँ भी दीदी लोग बोली थी कि हम जो है पीएनपी एनपीएम में सब सीएम दीदी बोली थी जमा करने के लिए, तो हम दिए थे, जमा हुआ है। तो उसी दरमियान में वो क्या किया, 7 समूह की दीदी से दस्तखत मुहर करवा लिया। ऐसे भी पूरा उनका जो है ना सर रेलवे चेंज है, जो वो पहले सबसे मुहर या दस्तखत करवा लेता है, अपना मन से जो मन होता है लिख देता है, मतलब भ्रष्टाचार से लिप्तता उसमें दिखाई दे रही है। तो वो सब करवे करता है। उसके बाद उन्होंने मैसेज में डाला था जो अंशु जी आप पे जो है ना अवैध राशि के मांग के लिए आपको भारत सेल पर 11 बजे रात्रि 11 बजे रात को आना होगा। तो वो मेरे पर्सनल वाला पर भी डाले थे और ग्रुप में भी, जितना कैडर लोग हैं मेरे बीपीआईओ से जुड़े हुए डंडारी। हाँ, सब कैडर ये बात को जान रहा है। हाँ, ये बात कोनो गलत नहीं है। हाँ, नहीं हुआ तो यहाँ पे तब आप नहीं गए 11 बजे रात नहीं, में नहीं हम क्यों जाएंगे? वो जहाँ बुलाएगा हम क्यों जाएंगे? हाँ, हाँ, उसी के तहत जो है साजिश रच करके। हाँ, आपको जो है से तो हटा दिया है। उस समय जो है सब फिर बोला बोली किया कि 11 बजे रात के कौन हिसाब से बोले, लेकिन उस समय वो शांत हो गया था, समझे? तब जाकर के ये जो है मतलब 15-20 दिन होता है, फिर ये मामला जो है सोहलपुर से उठाया है कि आप अंशु के खिलाफ बोलिएगा 1,00,000 रुपया से अलग पर होगा पास होगा गाय बकरी के लिए। हाँ, तो वो अभी पांच गो दीदी गई बोली कि हम आपको रुपया दिए हैं। हाँ, तो हम बोले कहाँ दिए हैं, तो हम बैंक जो बोलेगी वो पांचों बोलती है एक के बाद। हाँ, मतलब आपको क्या अंदाज लगता है कि उनको ये सिखा दिए? जी बिल्कुल, मतलब वो सिखा करके ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको जिस तरीका से इस्तेमाल करना चाहे आपने नहीं गया, उसकी के साजिश में ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल वही बात, उसी के तहत आपको हटा गया। जी, तो आप लोग क्या इनको साथ दे रहे हैं? मतलब वो वैसे लोग हैं जो इनको 11 बजे रात को जो बुलाया गया, ये सब तो गलत बात ना है समाज के लिए, और इसके अगर नहीं जाना उसके बाद हटा देना तो समाज के लिए खतरा है ना। हाँ, ऐसा नहीं ना करना चाहिए। तो आप लोग इनके साथ खड़ा है। चलिए, और सर एक मिनट बोलना चाहते हैं, जब हमने एप्लीकेशन पूरा मतलब हर जगह दे दिए हैं, तो बीपीआईओ वहाँ पे क्या करता है, सब सीसी लोग को समूह में भेज देता है। हाँ, और सीएम को पता नहीं रहता है। हाँ, और वहाँ पे जा करके मेरे खिलाफ ढूंढने के लिए सदस्य लोग का पटिया रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा 11 बजे रात को मैसेज जो किए थे उनका नाम क्या था?
वो पवन कुमार सर है। मतलब वो क्या है? एससी पद पे एरिया सी का नाम क्या हुआ? प्रभास कुमार। अच्छा, ये सब मिली भगत से ऐसा किया है जी? पूरा बीपीआईओ मिला हुआ है, कैडर को कुछ नहीं समझता है। अच्छा, मिल करके वो मतलब गलत? हाँ, गलत जो वो अपना मनमानी कर रहा है, सीधा समझिए। और भी आप लोग को कुछ कहना है? सब औरत न बोलते, एक पोचे औरत किया बोले पैसा लेकर, और सब किया बोले बात गलत है। आपको क्या लगता है, बात सही है कि गलत है? एकदम गलत है, बेबुनियाद इन पर आरोप लगाया जा रहा है। सब गलत है, गलत है। अंशु जी के साथ हैं, अंशु जी के साथ हैं आप लोग? अच्छा, ये पवन कुमार जी से आप क्या मतलब, उनको क्या करना चाहते हैं? वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, मैं अंशु कुमारी, मेरे ऊपर जो साजिश है वो साजिश का हम अभी आपको दो चार मिनट में बताना चाहती हूँ। मेरे ऊपर पहले 3 बार आरोप लगाया जा चुका था, चौथा बार में उसने हमको 11 बजे रात को बुलाया था कि आपको यहाँ जो है भारत से अलग माना होगा, आपके ऊपर जो है अवैध राशि की मांग का आरोप है। उसमें भी हम नहीं गए, लेकिन दीदी सब गई सी अलग, वहाँ भी मतलब बोला नहीं हुआ नहीं हुआ, उस समय शांत हो गया था। फिर अचानक जो है 5 दीदी का साजिश के तहत बुलाया गया कि आपको सियाला पर 1 लाख लोन देंगे। उसमें से चाह कि सभी भी का दीदी जाएगी, लेकिन सभी दीदी का नहीं गई, 5 दीदी गई। उसको रास्ते में समझाया गया और उसी तरह वो बोली कि हम आपको 400 रुपया दिए, हम बोले हम नहीं लिए। इस पर ऐसी सरकारी निर्णय हुआ कि वो कहती है लिए हैं, पते हैं नहीं लिए, बोले हम नहीं लिए हैं तो कैसे बोले? नहीं, आपको हटना होगा। हम बोले कैसे आप हटा दीजिए? हम हटाएंगे। वही हुआ, उन्होंने हम पे जो है आरोप लगाया कि आपने अवैध राशि का मांग किया, अभद्र व्यवहार है। अब बताइए, सीसी बोलेगा, एसी बोलेगा कि आप चोर बोले जोर से, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि आप किस लिए यहाँ अभी चोर हैं? यही बात हुआ तो उसने हमको सारी इस तरह हटाया है। बस हम इतने आपसे अनुरोध करेंगे कि इस पर आप थोड़ा कुछ बोलें। चलिए, हाँ मतलब क्या और भी कुछ कहना है बोलिए। कहना है ही जो बीपी है, जो बीपीएम सर जो है ना, नियमावली के विरुद्ध सब काम करते हैं। बीपीएम सर है ना, विरोधी सब काम है। मतलब जो जीविका का जो नियमावली है रूप, उसके विरोध में उन लोग काम करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा अंजाम देते हैं। मतलब ये कौन ऐसा करते हैं? ये जो है ना एसी सर जो है ना, एसी पवन कुमार शाह जो है अपना मनेश सारा एजेंडा लिखाएगा, अपना हाँ। मनेश पूरा निर्णय लेता है हाँ। और जो मन है तो वो अपना मनेश करता है, अपना मनेश करता है। जो है ना बीओडी के बैठक में बैठा करके हाँ। खाली एगो जो है ढेला फेंके वाला काम करता है, सब चीज वो अपना मनेश करता है। ठीक।